हुजूर, आज की औरत, जो आज की औरत, कुछ दिन पहले भी ये शोर मचा हुआ था, तो आज की औरत चाहती है मकाम, मर्तबा, इज्जत, और हम जिक्र कर रहे हैं सय्यदा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र। तो अब आज की औरत को इज्जत कैसे मिल सकती है सय्यदा कायनात की सीरत से, किस तरह मिल सकती है? मैं आपके सवाल को थोड़ा तब्दील करना चाहता हूँ, क्योंकि सवाल आपने बहुत एहतराम से पूछा है। जी जी, इसको हम यूँ तब्दील कर लेते हैं कि आज की औरत किस किस्म की आज़ादी चाहती है। हाँ, यूँ कर वो ले। जिस किस्म की आज़ादी चाहती है उसकी वजाहत कर दे। जी जी, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि असल में आज का जो सबसे बड़ा हमारा फितना है वो है लिबरलिज्म। जी, लिबरलिज्म और लिबरलिस्ट जो है उन्होंने इस्लाम को तबाह बर्बाद कर दिया, इस्लामी सोच को, इस्लामी फिक्र को। जब बहुत आज से कोई 10-15 साल पहले पहली बार ये ख्वातीन जो हैं बगैर बुरके के निकली, और बगैर बुरके के निकलने के साथ साथ इन्होंने तंग और चुस्त लिबास पहनना शुरू किया था, उस ज़माने में हमारे उलमा, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, कि वो इस पर सबसे पहले उन्होंने टोका कि देखो भाई घर वालों, जब तुम्हारे घर की औरतें निकलती हैं, तुम्हारी बेटी निकलती है, तुम्हारी बीवी निकलती है, तो उसका लिबास तो चेक करो जी, कि किस किस्म का तंग और चुस्त लिबास पहन के वो निकल रही है, तुम्हें तकलीफ नहीं होती जी किस तरह ये औरत निकल के जा रही है। ये आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने औरतों के अंदर जो है एक बगावत पैदा की जी। इस्लाम ने औरत को इज्जत ये दी कि जब वो कहते ना कि किसी ने कहा कि भाई औरत को क्या इज्जत मिली है, क्या मकाम मिला है, मैंने बोला औरत को इज्जत और मकाम ये मिला है कि औरत के कदमों तले जन्नत लेकर, सुभान अल्लाह, जब वो माँ बनती है तो जन्नत उसके कदमों में आ जाती है, जन्नत उसके कदमों में है, और क्या चाहिए। जब वो बेटी बनती है तो बेटी होती है तो जन्नत का वसीला बनती है। तो ये एक बहुत बड़ा वो मकाम और मर्तबा के औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा मकाम दिया कि जब वो माँ बनती है तो उसे जन्नत उसके कदमों के नीचे रख दी गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजामंदी को माँ की रजामंदी के साथ मशहूर कर दिया है। हम अगर सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी से सबक हासिल करना चाहें तो मैं दो जुमलों में यूं अर्ज करूंगा, मेरे पूरे सैयदा ने अपनी जिंदगी ऐसी गुजारी है कि जमीन और आसमान के किसी जर्रे ने सैयदा के सर का बाल नहीं देखा। अल्लाह, ऐसी जिंदगी गुजारी है।